का तस्करी हो रहा है। आगे बड़े जो इसके सप्लायर हैं उन पर कहीं से भी कोई असर नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, और आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नववर्ष की शुरुआत में ही बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर हैं और ऐसे में मदन मोहन झा ने तंज कसते हुए कहा है कि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गलत किया है? एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है। साथ ही साथ शराबबंदी पर क्या कुछ कर रहे हैं मदन मोहन झा, जरा आप वो सुनिए। इस वार्ता में आए हुए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार के पक्ष नेता नासिर साहब आए हुए हैं, हमारे मंचा से फोन व्यक्ति हैं, उनको हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी ने आपको इंगित कर दिया है। सम्मानित देश के बंधुगण, इलेक्टर मीडिया के भाई, सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। इतने अल्प अवधि में आप लोग को खबर किया गया और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते हुए वर्ष आप लोगों ने पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन बहुत नहीं अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये नया वर्ष शुरू हो रहा, आप लोग राज्य और देश के एक प्रहरी हैं और देश में और राज्य में क्या हो रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक भय का वातावरण अगले साल भी था और इस साल भी नहीं रहेगा, यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसी में जिस तरह से देश की आजादी में बहुत कुछ करना पड़ा, इसलिए अभी देश और राज्य में जो हो रहा है उसको उजागर करने के लिए, देश को स्थापित पुनः लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपका लाइन या आपकी मदद या आपकी निष्पक्षता बहुत ही आवश्यक। गांधी के समर्थन में खड़ी हूँ और मेरी जहाँ तक समझ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत तत्परता पूर्वक शुरू में काम भी किया था, उसका असर भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे माफिया तक जो ज़्यादा उन्हीं के इर्द गिर्द या उनके दल से संबंधित है रास्ता निकाला और यहाँ 100-100 करोड़ का शराब का तस्करी हो रहा है। आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें कौन पकड़ा जा रहा है, कहीं ड्राइवर, कहीं खलासी, कहीं सिपाही, कहीं दरोगा, बड़े बड़े जो इसके सप्लायर हैं उन पर कहीं से भी कोई असर नहीं हो रहा। जेल में आप देखिए तो गरीब हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं वो गरीब उस जेल में सड़ रहे हैं। तो हम लोग की राय ये है, जो हम लोग ने समर्थन किया था समर्थन में है ही, लेकिन अगर उनसे नहीं समझता है तो अब क्या उपाय होना चाहिए। सरकार ने बहुत ऐसा बिल दिया है, किसान बिल आया, 700 हमारे प्रभारी ने भी कहा है 700 लोग का मौत हुआ, लेकिन अगर लगा ही गलत है तो उसको वापस लिए। अगर सरकार से नहीं संभल रहा है तो उनको देखना चाहिए इस पर, और नहीं तो सख्ती से जो बड़े मुर्गे हैं उन पर कार्रवाई करें। समाज सुधार गांव से नहीं होता है, ऊपर से होता है। यहाँ अगर ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि शराबबंदी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने समर्थन किया है, जब तक हम लोग समर्थन किए हैं कोई पुनः विचार नहीं होता है हम लोग शराबबंदी के साथ। आपने सुना मदन मोहन झा को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या समाज गलत है, और अगर समाज गलत है तो क्या समाज ने 15 साल मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार को बनाया है और अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो क्या समाज की ये गलती है? खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।